बताएंगे कि विजुअल कंपोजर को हम कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, ये हमारा विजुअल कंपोजर का प्लगइन इंस्टॉल्ड है वर्डप्रेस के एडमिन के अंदर, ठीक है, जो कि पेड है। ठीक है, विजुअल डब्ल्यू बी बेकरी बिल्डर पेज बिल्डर ये पेड है, और विजुअल कंपोजर जो है वो अनदर प्रोडक्ट है, ठीक है, वो फ्री है। दिखाता हूँ आपको मैं दोस्तों प्लगइन्स में आके, जैसे कि देखें आप यहाँ लिखेंगे विजुअल कंपोजर, ये देखिए ये इसका फ्री वर्जन है, सही है। डब्ल्यू बेकरी बिल्डर पेड है वो अलग चीज़ है, ठीक है, ये बिल्डर अलग है, तो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल्ड है, हम इसकी खसूसियात की तरफ जाते हैं। ये देखिए ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड नहीं है, 6.7 है। जिस किसी को चाहिए वो मेरे से मैसेज करके प्लगइन ले सकता है, ठीक है, फॉर टेस्टिंग पर्पज़। हालांकि ये पेड है तो उसको आपको परचेज़ करना हो, परचेज़ कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से आगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, विजुअल कंपोजर के फ़ायदे ये होते हैं कि विजुअल कंपोजर की मदद से हम वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, ठीक है। ये क्लाइंट की वेबसाइट है, एक मेडिकल की वेबसाइट है प्रोडक्ट्स की, तो उसकी मदद से हम लोग पेजेस बनाते हैं विदाउट कोडिंग के थ्रू ना, HTML CSS की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, वो बिल्डर्स में ऑलरेडी दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हम अपना काम करते हैं। मैं ये पेज बनाता हूँ, पेज क्रिएट करता हूँ न्यू। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। देखिए टेस्ट, ये बैकएंड एडिटर पे क्लिक करते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं, ये हमारा एक टेस्ट पेज बन गया, ठीक है, इसको बंद कर दें। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको पहले मैं डिफ़ाइन कर दूँ। यहाँ पे आप अपनी CSS इनलाइन जो CSS होती है, अगर आप चाह रहे हो ये इस पेज की CSS इसी पेज पे इम्प्लीमेंट हो, तो यहाँ पे अपनी CSS आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और CSS क्या है अगर आपको पता करना है, तो W3 स्कूल पे आ गए आप HTML CSS की बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा, जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं, ठीक है। ये CSS जो है वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है, HTML आपको मार्कअप के लिए काम आता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो CSS को स्टाइलिंग जैसे कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, इमेज लगाना, ये सारी चीज़ें, इमेज के ऊपर आपको क्या कहते हैं चीज़ें देनी है, फॉन्ट साइज है, ठीक है, फॉन्ट कलर है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इसको बंद करते हैं, ये आपका स्क्रीन बड़ी करने के लिए होता है, ठीक है। ये टेम्पलेट्स इसमें होंगे नहीं, ये पेड नहीं है, पेड के लिए की भी चाहिए होगी आपको, और ये आपको यहाँ से प्लस करेंगे तो ये बिल्डर खुल जाएगा, और या आप इस पर बेकरी पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी पेज के ऊपर वेबसाइट पे ले जाएगा, यहाँ से आप $45 का परचेज़ करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट तो अभी मैंने ज़रूरत नहीं है टेम्पलेट की, तो हम एक एलिमेंट, सबसे पहले हम क्या कोई भी चीज़ आप स्टार्टिंग में करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रॉ क्रिएट कर देगा, चाहे अगर आप यहाँ पे आपको रॉ क्रिएट करना ही पड़ेगा, आप टेक्स्ट ब्लॉक जैसे लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो रॉ के अंदर टेक्स्ट ब्लॉक ले आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको दोस्तों HTML का आइडिया होना चाहिए कि HTML के अंदर किस तरह स्ट्रक्चर रखा जाता है, ठीक है, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमने रॉ डिलीट कर दी, इसी तरह यहाँ से अब ये सबसे पहले जब ये कवर कुछ इसमें एलिमेंट कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कंटेंट आ गया दोस्तों, रॉ लिया हमने, रॉ के अंदर ये मेन रॉ है और ये कॉलम, ये मेन रॉ की सेटिंग्स होती हैं इसमें सारी, ठीक है, और ये आपकी कॉलम की सेटिंग होती है, ये बूटस्ट्रैप के कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉलम्स को आपको अपने हिसाब से सेट करना है, दो कॉलम में करना है, इस तरह ये इसमें कॉलम्स दिए हैं, सही है, इसके हिसाब से आप चीज़ें अपनी इसमें ऐड कर सकते हैं। कस्टम कॉलम है, आपको स्पेसिफिक अपने कॉलम्स एडजस्ट करने हैं, यहाँ पे आप वैल्यूज़ देके इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए डिलीट कर दिया मैंने, हमने एक रॉ ली, रॉ के अंदर हमने एक टेक्स्ट ब्लॉक लिया, तो ये सिंपल क्या करेगा, ये टेक्स्ट है, आपको यहाँ पे आईडी देनी है, आईडी दें, क्लास देनी है, क्लास दें, एनिमेशन लगानी है, वो एनिमेशन लगा दें एक्स्ट्रा,
अपने हिसाब से। ठीक है, ये एडिटर है टेक्स्ट ब्लॉक का, यहाँ पे आप इस तरह अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया, उसको अपडेट कर दिया। ये हमारा अपडेट हो गया होगा, इस पेज को हम व्यू करते हैं। दोस्तों एक पहली वीडियो है विजुअल कंपोजर सीरीज की, बेसिक वीडियो है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और अच्छा कंटेंट मिलेगा। ये देखिए, ये एक टेक्स्ट ब्लॉक आ गया, सही है। अभी चाह रहे हैं कि आप बिल्डर में, जैसे ये मुझे कोडिंग नहीं आती, सीएसएस नहीं आती, तो मैं बिल्डर के थ्रू उसको एडजस्ट करूँ चीज़ों को ना। तो हम ये डिज़ाइन ऑप्शन में आएंगे, ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो आपको देखने होंगे अपने हिसाब से किस किस की नीड है आपको। रॉ डिसेबल करनी है, आपने पूरी रॉ डिसेबल कर दी, सेक्शन गायब हो जाएगा, सही है। या यहाँ पे इसको मेन रॉ को आप क्लास देनी है, वो भी आप दे सकते हैं। आईडी देनी है, आईडी दे दें, पूरी सी से एनिमेशन देनी है, तो इसके ऊपर पूरा आप एनिमेशन दे सकते हैं इस सेक्शन के ऊपर। ठीक है, रॉ को स्ट्रेच करना है आपको कि फुल विड्थ पे चाहिए या कंटेनर में चाहिए, विदाउट पैडिंग चाहिए, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको सेलेक्ट करके। अब यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आप टॉप और बॉटम से स्पेसिंग दे दें, तो ये आप इस तरह देंगे यहाँ से। ठीक है, बैकग्राउंड कोई कलर देना है आपको, यहाँ पे दे दें आप, और सिंपली इसको सेव करा आपने। उस पर बेसिक चीज़ें करके दिखा रहा हूँ ताकि आप फिर अपने सेक्शंस आप खुद बना सकें आगे। ये सेव हो रहा है अभी, ये देखिए। अब ये चाह रहा हूँ कि मैं फुल विड्थ में आ जाए, तो ये फुल विड्थ में आ जाएगी विदाउट स्पेसिंग के थ्रू। इसको फुल विड्थ हो जाना चाहिए, सही है। आप चाह रहे हैं कि टेक्स अलाइन सेंटर रहे, या इसको आप टेक्स अलाइन सेंटर अपनी तरफ से ऐसे कर सकते हैं, ये लेफ्ट राइट, सही है। यहाँ पे आपको मज़ीद ऑप्शन चाहिए, आपने यहाँ से कलर दे दिया, सही है, और मल्टीपल ऑप्शन है जो आपको यूज़ करना है आप कर लें। मैंने सेंटर करके इसको ओके कर दिया। सही है। अब दोस्तों हम लाइव एग्जांपल दे, एक आते हैं कि हमें सेक्शन बनाना है सर्विसेज का, तो वो हम कैसे बनाएंगे। सिंपली मैं एक शॉर्ट वो करता हूँ कि ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमने एक रॉ ली, सर्विसेज सेक्शन बनाना है, तीन सर्विसेज हैं हमारे पास। ठीक है, और ये एक रॉ ली, इसके ऊपर हमने हेडिंग ली, हेडिंग कस्टम हेडिंग, सही है, इसमें नाम रख दिया हमने सर्विसेस, सही है। H2 सही है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, फॉन्ट साइज मैंने 50 कर दिया, लाइन हेड की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक कर दिया, ठीक है, तो बोटो कर दिया इसको, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसको मैंने फेड इन लेफ्ट कर दिया। क्लास देनी है आप दे दें, सर्विसेस हेडिंग, सही है। इस रॉ को पकड़ के हमने ड्रैग किया, हेडिंग वाले को पढ़ लिया है। ठीक है, अब सर्विसेज के सेक्शन बनाने में सिंपल क्या करेंगे, हम एक इमेज लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, आप साइजेस डिफाइन करेंगे, आपने सेट कर दिया मीडियम, तो ये इमेज आपने यहाँ पे उठा ली कोई भी, ये मैंने इमेज उठा ली ये वाली, इसको हम रिपीट कर लेंगे इस इमेज को, सही है, आई क्यों नहीं, लोड हो रही है थोड़ा। ये इमेज अलाइनमेंट हमने सेंटर कर दी, इसको राउंडेड कर दें, चलें क्लिक नहीं करवाना हमें इमेज के ऊपर, जूम भी नहीं करवाना इसको हमने, सिंपल ये तीन कॉलम का हम सर्विसेज सेक्शन बना रहे हैं, जिसमें टॉप पे एक हेडिंग भी होगी। ठीक है, इसमें एक बटन भी लगा देंगे हम नीचे, ठीक
ये हमारे पास डमी टेक्स आ गया, शॉर्ट वीडियो आ गया, आपको समझ में आ जाए, आप इजीली अपने सेक्शंस बना सकें। ये इससे हम डिलीट करेंगे एलिमेंट को, इससे हम डुप्लीकेट करेंगे, इस पर एडिट करेंगे, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं बटन, एक बटन बना दें इसके, जिस सर्विसेज पे क्लिक करें उस सर्विस पे वो चले जाए, तो ये आप बटन लिख लेते हैं क्लिक रीड मोर, ठीक है। इस पर क्लिक नहीं करवा रहे हैं अभी कुछ भी, इस पर हैश लगेगा, ठीक है, सही है। कलर इसका हम रख देते हैं, ये रख देते हैं, ठीक है। इसको हमने दो बार डुप्लीकेट किया और इसी की तरह सेव कर दिया इसको हमने, सही है। इसको रिफ्रेश करा, इसको हम सेंट्रलाइज नहीं करा, इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं, तो हमने सेंट्रलाइज कर दिया बटन को, अब ये अच्छा लगेगा पहले मुकाबले में, आपको बॉटम से स्पेसिंग देनी है रॉप पे, तो यहाँ पे हम गए और 50 पिक्सल हमने पैडिंग दे दी इसको सेक्शन के नीचे तक स्पेसिंग आ जाए, सही है। सर्विस को आप मजीद स्टाइल कर सकते हैं जो आपको कलर करने अपने हिसाब से, ठीक है। ये कॉलम के हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। आप टेक्स्ट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये देखिए इमेज छोटी है इस वजह से टेक्स्ट बाहर जा रहा है, ठीक है। ये एक कॉलम है, ये देखिए एक दो तीन, इससे अगर आप सेक्शंस बना सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको बनाना हो, आपका डिज़ाइन हो आपके पास, कि मैंने आपको एक रफली चीज़ बताई है, ठीक है। इसमें आप इमेज कैरेसर यूज़ कर सकते हैं, होवर बॉक्सेज हैं इसमें, सिंगल इमेज का आपको मैंने बता दिया है, सेक्शंस बना सकते हैं आपको अगर एक मल्टीपल सेक्शंस बनाने, मल्टीपल रॉस बनानी है मतलब ग्रुप ऑफ रॉस, ठीक है। और कॉन्टेक्ट फॉर्म प्लगइन है, ये फॉर्म का प्लगइन है, आप कॉल करा सकते हैं उसके शॉर्ट कोड के थ्रू, सेलेक्ट करके ये फॉर्म दिया हुआ, अगर आपके यहाँ कुछ और फॉर्म बना हुआ हो या हम कॉल करा सकते हैं, ये देखें। इसी तरह ये मीडिया ग्रिड है, इसमें आप इमेजेस कॉल करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते रहूँगा, लेकिन ये बेसिक टूर आपको मैंने दे दिया कि विजुअल कंपोजर में किस तरह चीज़ें चलती हैं, और आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं विजुअल कंपोजर से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम।